इस सब्जी को हम लोग कटमा बेसन की सब्जी कहते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ इस सब्जी को क्या कहते हैं। बेसन बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है, इसे हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। अब हम इसको पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई लेंगे, उसमें सबसे पहले हम तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम ये खड़े गर्म मसाले लेंगे, तेज पत्ता, डोडा, लौंग और इलायची, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 6 से 7 लाल खड़ी मिर्ची लेंगे, खड़ा धनिया लेंगे और ये प्याज, 2 प्याज और लहसुन में डाल देंगे और ऑनियन को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो रहा है जब तक हम बेसन की तैयारी करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1 पिंच, थोड़ा सा जीरा। अब हम इसको, ये हमारा जीरा तड़क गया है, अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। जब तक ये बिल्कुल नहीं पकता हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरह से गाढ़ा होता चला जाएगा, पर हम इसको चला, देखिए ये पकते पकते कुछ इस तरह से हो गया है। अभी हमें इसको थोड़ा और पकाना है। हमें इसको जब तक पकाना है जब तक ये इस कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। जब ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा तभी हमारा ये बेसन पक जाएगा। अब हम एक थाली लेंगे, उसमें हम तेल डाल देंगे। ये मसाला ठंडा हो गया है, मैंने इसे जार में डाल दिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक कम या ज़्यादा स्वाद अनुसार कर सकते हैं। बाकी तो सब हमने इसमें खड़ा मसाला डाल ही दिया था, अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए ये हमने पीस लिया है, अब हमारा बेसन भी हो चुका है। जिसको देखिए ये बेसन ने इस तरह से इस कढ़ाई को छोड़ दिया है और ये हमारा बेसन भी पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और बेसन को इस तरह से थाली में निकालेंगे। अब हम फटाफट से इसको फैलाएंगे। ये हमने बेसन को फैला दिया है, अब हम इसे 5 मिनट बाद काट लेंगे, जब तक हम इसे ठंडा होने देंगे। हमने बेसन भूंजा था, उसी में ही हम तेल डाल देंगे 2 चमचे के करीब। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और ये मसाला डाल देंगे। अब हम मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। देखिए हमारा बेसन ठंडा हो गया, अब हम इसको बर्फी के शेप में काट लेंगे। हमने काट लिया है कुछ इस तरह से, इसके पीस निकलेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और अब हम इसको भूनने। देखिए ये मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें 1 छोटे जग के करीब पानी डाल देंगे। अब हम इसको उबलने देंगे। देखिए ये हमारी सब्जी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ये बेसन के टुकड़े डाल देंगे। अब हम इसको 2 मिनट और उबलने देंगे और गैस को बंद कर देंगे। देखिए ये हमारी सब्जी बन चुकी है, अब हम इस गैस को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों ये हमारी बेसन की सब्जी बन चुकी है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, इसे रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।